अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? देखे सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। अच्छा, हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ पे 500 पर हेड चल रहा है। उस पर 10 या 9 डिशेज हैं जो बूफे में हमें मिलेंगी। तो अभी बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग मैं घर से निकलने लगी हूँ। एजाज वहीं पर ही हैं और मैं उनको ज्वाइन करूँगी और फिर हम लोग जाएंगे DHA Phase 2 में, शायद रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर प्रॉपर मैं जाके आपको डील्स, चीज़ें, मेन्यू सब कुछ दिखाऊँगी कि आया वो चीज़ जो हम लोगों ने मोबाइल में देखी थी वो है भी या नहीं है, या सिर्फ बातें हैं, या सिर्फ धोखा खाकर हम वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने, मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की, उन्होंने मुझे बताया है कि 500 रुपीज़ में आप पर हेड जो है 9 डिशेज़ वहाँ मिलेंगी, चाइनीज़ की, प्रॉन्स, फिश और क्या नाम है, फ्राइड राइस, सब कुछ ये वो। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने अपनी कलेक्शन का लॉन का नया ड्रेस निकाल के आज पहना है। तो और आप मुझे मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको भी दे दूँगी और आप लोग वहाँ से मुझसे ईजीली मंगवा सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अब टाइम हो गया है 4:45 और मैं लॉक करती हूँ और निकलते हैं। देखते हैं कि आज जहाँ जा रहे हैं वो सच भी है या झूठ है, ठीक है? और चलें, अब चलते हैं जी। वहाँ का जाना कैंसिल हो गया, अब हम जा रहे हैं किसी और रेस्टोरेंट जो इसका नाम है सल्तनत रेस्टोरेंट, जो अभी 3 महीने पहले ही ओपन हुआ है। और जहाँ जाना था वो क्यों कैंसिल हुआ वो भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती रहूँगी। वहाँ का जाना तो कैंसिल हो गया क्योंकि मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि हुआ क्या। और अब हम जो अब हम सल्तनत रेस्टोरेंट में आ हैं गए हैं। और बड़ा ज़बरदस्त हो गया है ये, तो मैं थैंक यू सैरिश को करती हूँ कि एंड टाइम पे उसने जो है ना मुझे बता दिया और जो कैंसिल हो गया। तो ये वाली जगह तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम आके बैठे ही हैं, अभी ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं और क्या खाने के लिए आता है तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को लोकेशन नहीं, आप लोगों को जगह दिखा दूँ कि कैसी है। बहुत ज़बरदस्त जगह है और जगह तो बहुत अच्छी है, अभी खाना वगैरह आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, अब हम बात कर लेते हैं साथ साथ कि जहाँ जाना था वहाँ जाना कैंसिल क्यों हुआ। एंड टाइम पे मैं गेट पे थी और कभी मैंने गेट पे खड़े होकर कॉल अटेंड नहीं की क्योंकि गाड़ी कैंसिल ना हो जाए, गाड़ी गुजर ना जाए। तो बस मेरी बहन की कॉल आई, वीडियो कॉल हो रही थी, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रही हो, तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि मेरी देवरानी नहीं, मेरी जेठानी लोग जो हैं, मेरी बहन की जेठानी हैं अंबर भाभी, वो लोग होकर आ चुके हैं और वहाँ का उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। क्योंकि स्टार्ट में जो रेस्टोरेंट ओपन होता है इस तरीके से 500 रुपीज़ का उन्होंने बूफे लगाया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने 9 डिशेज़ वो दे रहे थे, फजर सी फूड के नाम से। डिफेंस Phase 2 में अगर किस कोई जाना चाह भी रहा है तो वहाँ मेरे कहने पे मत जाइएगा क्योंकि हमारी फैमिली के फैमिली जो मेम्बर जो हैं होकर आ चुके हैं तो वहाँ पर बिल्कुल धोखा है, कोई चीज़ नहीं है। फ्राइड राइस भी है तो सिर्फ ओनली राइस बॉयल करके रखे हुए हैं, और अगर चाउमिन वगैरह स्पेगेटी है तो वो भी बॉयल करके बस सब्जियां वगैरह डाल के, कोई सॉसेस वगैरह कुछ नहीं है। और प्रॉन्स फिश और टिक्का तो बिल्कुल भी वो ला के डालते ही नहीं है, बस ये बोलते हैं हाँ हाँ ला के डाल रहे हैं, हाँ हाँ ला के डाल रहे हैं, और लेकर आया नहीं जाता। तो इस वजह से एंड टाइम में मेरी सिस्टर ने मुझे बता दिया और मेरा जाना कैंसिल हो गया। और इजाज़ वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोगों ने वहीं जाना है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने इनको पूरी स्टोरी सुनाई तो इजाज़ ने बोला छोड़ो, दफ़ा करो, फिर हम चलते हैं कहीं और। तो फिर हम लोग ये यहाँ पे साइमा मॉल मिलीनियम के साथ ही नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है सल्तनत के नाम से, तो हम लोग फिर यहाँ आ गए थे। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या मंगवाया वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस साथ साथ आप लोकेशन चेक करें कि कैसी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और ये ज़बरदस्त हो गया। ये हम सुने देखें, चले हम बैठते हैं और ऑर्डर वगैरह देते हैं कि देखते हैं कि क्या ऑर्डर देना है और क्या खाना है। सही है, खाने का ऑर्डर शॉर्डर दे दिया है हमने, बोला खाने से पहले पहले जल्दी जल्दी से फ़ोटो शूट कर लें हम। सुने, मैंने ऑर्डर दे दिया तो सबसे पहले जो है ना हम लोग थोड़ा सा विजिट शिजिट कर लें कि क्या सेटअप है। यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी भी हो रही है और कोई फंक्शन वगैरह, क्या वह उसका सेटअप वेटअप हो रहा है।
बच्चों का प्ले एरिया वगैरह भी है। मैं बैक साइड पे कैमरा करके ना दिखाती हूँ आप लोगों को। बच्चों के झूले वूले भी हैं ये सारे, इस तरीके से अगर बच्चे वगैरह आते हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों वाली जगह बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे बच्चों को आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। वहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दें और यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय करने के लिए आ जाए। बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर का भी रास्ता है। हम टाइम से ही आ गए थे यहाँ पे, तकरीबन 7:45, 7:30, नहीं 7 नहीं 7:05 में हम लोग तकरीबन पहुँचे थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इतना रश नहीं था क्योंकि ज़्यादातर जो कराची में ही लोग रहते हैं वो खाने के टाइम तकरीबन 9 बजे 10 बजे निकलते हैं, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। बस थोड़े थोड़े से लोग थे क्योंकि हम लोग जल्दी टाइम से आ गए थे। और जब हम लोग निकल के जा रहे थे तो बल्कि पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी, लोग आ रहे थे। तो जब हमारे जाने का टाइम हुआ तो लोग तकरीबन आ रहे थे, तो इसी वजह से इतना आपको खाली खाली लग रहा होगा और इतना रश नहीं था। रश था अभी तो, जगह अच्छी खासी बड़े पैमाने पे थी, बड़ी जगह थी, तो हर कोई अपने स्पेस में दूर दूर बैठे हुए थे। ऊपर भी जगह थी, ऊपर टॉप पे भी बैठ सकते थे, तो हम लोग नीचे ही बैठे क्योंकि ऊपर टॉप पे वो कहते हैं 2 पर्सन की सर्विंग के लिए वो टेबल वगैरह इस तरीके से अरेंज नहीं है। और आप लोगों को आपको उस साइड पे है जो जहाँ पे आपको नीचे का व्यू नज़र नहीं आएगा, तो फिर इजाज़ ने बोला हम नीचे ही बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर इस वजह से हम लोग ऊपर नहीं बैठे, हम लोग नीचे ही बैठ गए थे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जगह है, अच्छी जगह है, आप लोगों को भी आना चाहिए। और हम लोगों ने जो मंगवाया था वो मैं उसके भी आप लोगों को प्राइजेस भी बताऊँगी कि कितने का क्या था, कितना बिल बना। तो बस अब हम लोग अपनी जगह पर जाके बैठ रहे हैं और खाना वगैरह आने वाला है। तो साथ साथ जब खाना खा रहे होंगे तो मैं उसकी प्राइजेज़ वगैरह भी बताऊंगी और आप लोगों को ट्राई करना चाहिए वो भी, ठीक है। प्राइस देखें, फैमिलीज़ वगैरह सामने से आ रही हैं और तकरीबन जब हमारे जाने का टाइम था तो लोग आ रहे थे, तो हम लोग तकरीबन 8:30 बजे यहाँ से मूव हो चुके थे, 8:30 बजे निकल गए थे और तकरीबन 9 बजे तक हम अपनी शटल पर जाने के लिए पहुँच चुके थे। काफ़ी टाइम पहले ही, बल्कि हम लोग 15-20 मिनट पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था, तो इजीली हम लोग बैठ गए थे और इजीली चले गए थे, मतलब गाड़ी में बैठ गए थे आराम से। वो इंसान कहते हैं ना, सोचता कुछ है होता कुछ है, तो सोचा हमने कुछ और हाँ, था कि 50 हम कहीं और जाएंगे और वहाँ भी हम अच्छी कहीं खासी और गए थी। क्योंकि हमारी किस्मत में ये था। अच्छा जी, ये हम लोगों ने चिकन पिशावरी कढ़ाई मंगवाई थी बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम क्या बात क्या, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब से हमारी शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जब अब से मैं और इजाज़ अगर कहीं गए हैं तो हम लोगों ने दूसरी अल्लम गल्लम चीज़ें खाई हैं जैसे फास्ट फूड, चले बारबेक्यू भैया और इस तरीके से, लेकिन कभी भी कढ़ाई मंगवा के नहीं सुल्तान। खाई। तो इजाज़ भी आज हैरान गुन हो रहे थे कि आज महविश ने कढ़ाई का ऑर्डर कैसे दे दिया। तो पता नहीं कैसे दे दिया, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं और इजाज़ जब भी साथ होते हैं हम लोगों ने चिकन कढ़ाई नहीं मंगवाई। मैं ये कहती हूँ सालन रोटी तो घर पर भी खाते हैं, बाहर जाके भी सालन रोटी खानी है, लेकिन जब मैं घर भी वापस आ गई तो इजाज़ मुझे छेड़ भी रहे थे, कह रहे थे आज महविश तुमने कैसे कढ़ाई मंगवा ली। तो ये बड़े मज़े का है, देखें आप लोग हमारी बातें सुने साथ साथ। नहीं ना, इतनी ग्रेवी तो है यार, अच्छा मेरी बात सुने, आप मेरे साथ नहीं आ सकते सर? साथ ही रहूँ और क्या। फ्लाइट चलेगी, आई थी ये चिकन पिशावरी, पिशावरी अच्छी है ना।
स्पाइसी है, ग्रेवी से भी अच्छी है। ये उसको ढंग है। हमने जो ये चिकन पेशावरी कढ़ाई मंगवाई थी ये 1000 रुपीज़ की थी, हाफ के जी, और साथ जो फ्राइड राइस और चिकन शाश्लिक मंचूरियन था चिली मिली वाला वो भी था 1000 रुपीज़ का, और साथ नान वगैरह थे, हम लोगों ने ग्रिल नान लिए थे वो भी बहुत मज़े के थे, और तकरीबन टैक्स वगैरह भी इन लोगों ने अपना लगाया हुआ था। तो ये जो दो चीज़ें हमने मंगवाई थी और साथ नान थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, सलाद रायता वगैरह था, तो उसका लगा। तो ये था हमारा मेन्यू, सब बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग भी जाएं, नई जगह है, ट्राई करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सी जगहों पे। तो मैंने तो इनको बोला कि अब हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों पे जाया करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को रिव्यूज़ वगैरह भी देंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे भी आप लोगों को किस जगह जाना चाहिए और किस जगह नहीं जाना चाहिए, जिस तरीके से आज मैंने बताया आपको। मज़े का बहुत। खा पी कर फारिग हो चुके हैं और अब निकलने का है, इजाज़ बिल बनवा रहे हैं, और बाकी तो हमारा खाना बच गया था, अब देखो क्या होता है। और हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि गाड़ी का टाइम भी होने वाला है, 9 बजे वाली गाड़ी में हमने सोचा है कि हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, तो यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात की जाए। सिर्फ कढ़ाई खाई गई है और चिकन शाश्लिक विद मंचूरियन ड्राई हम लोगों ने ली है, लेकिन वो पार्सल करवा लिए, बिल्कुल भी नहीं खाई गई, बिल्कुल थोड़े से एक दो बाइट जो है ना वो टेस्ट किया है, वैसे तो कुछ नहीं। और ओवरऑल खाना वगैरह सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यमी यमी है। अब इजाज बस आ रहे हैं, वो इजाज वहाँ खड़े हैं, इजाज़ को नहीं पता मैं इजाज की वीडियो बना रही आप लोग का सल्तनत में। हम सल्तनत रेस्टोरेंट। हाँ जी, थैंक यू। और जब हम यहाँ से मूव कर रहे थे तो वो यहाँ पे इनके रिमार्क्स करने के लिए इनकी स्टाफ बैठा हुआ था, तो वो पूछ रहे थे कि आपका सल्तनत में सल्तनत रेस्टोरेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हमने उनको बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त, और साथ साथ हम लोग रिमार्क्स वगैरह भी दिए। जा बस आगे आगे जा रहे हैं पार्किंग में, और मैं पीछे पीछे अपने कुछ वीडियोस के शूट वगैरह ले रही हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग और बड़ा मज़ा आया। आप लोग भी यहाँ पे आए सल्तनत रेस्टोरेंट में, बहुत ज़बरदस्त खाना है, और रिमार्क्स वगैरह भी हम लोगों ने लिखे हैं और वॉइस ओवर भी किया है उनका, उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो मैंने तो रिमार्क्स बहुत अच्छे दिए हैं। और मिलूंगी फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं विश्वास को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।